कई साल की लंबी लड़ाई तथा कई आंदोलनकारियों के बलिदान के उपरांत 21 साल पूर्व 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आ गया था। राज्य गठन के पीछे पलायन को रोकना, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को बनाए रखने सहित रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना मुख्य मकसद था। 21 साल बाद राज्य आंदोलनकारी राज्य गठन से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि बीते 21 सालों में सत्तासीन राजनीतिक दलों ने राज्य गठन की मुख्य अवधारणा को ही समाप्त करके रख दिया है। जिस मकसद को लेकर राज्य आंदोलन किया गया था वह मकसद पूरा नहीं हो सका है। पलायन लगातार बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर घटे हैं तथा राजनीतिक स्वरूप पहले से ज्यादा विकृत हो गया है। ऐसी स्थिति में राज्य गठन के 21 सालों की समीक्षा करते हुए राज्य के विकास को लेकर जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पलायन चल रहा है और बेरोजगारी चल रही है और एक एक घर में चार चार पाँच पाँच बेरोजगार हैं, तो जो भी आदमी जाता है 10-11 हज़ार 5 हज़ार की नौकरी में काम कर रहा है, पहाड़ में फसल पानी भी वैसी है, यही है। सरकार को गांव में जाकर गांव की दशा को देखना चाहिए। देहरादून में बैठ के कोई दिशा देखने से नहीं होती है। हमने हर चीज़ करके देख लिया है, गाय पशुपालन, मुर्गी पालन, सारे व्यवसाय लगा के देखते हैं। पहाड़ में कोई भी ठीक नहीं है, जिसमें आमदनी का दर्जा बहुत कम है। गांव में रोजगार मिलना चाहिए, जो गांव में बेरोजगार बैठे हैं उनका वो करना चाहिए, किस प्रकार से उनको रोजगार मिले, प्राप्त होए, तभी पलायन भी रुक सकता है। हम ही पलायन होके आए, एक गांव से दूसरे गांव में पलायन होके गए हैं। इस राज्य को बने हुए 21 साल हो गए, हम देख रहे हैं घोर निराशा के दौर से आज यहाँ का बाशिंदा गुजर रहा है। असल में जो दिल्ली और लखनऊ का हुक्मरान संचालित करता था इस राज्य को, आज वो पैठण जो है देहरादून में बैठकर यहाँ का नौकर साहब और ये जो हमारा आला प्रतिनिधि है ये निभा रहा है। एक जो प्रगति होनी चाहिए थी इस राज्य की, जो एक फंडामेंटल जो ढांचागत ग्रोथ बनाना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम एक लड़ाई के दौर में बहुत तरीके से हमने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसमें वानिकी भी थी, उसमें हमारा खेती बाड़ी से था, उसके बागानी जो हमारा झूमर से उत्पादित सामग्री थी उसको एक बाज़ार उपलब्ध होता। आज की जो ये सरकार है तदनुसार बारी लग रही है इनकी, ये नुक्कड़बाज किस्म के धुर सामाजिक विरोधी जो इनकी सोच रही है उसकी परिणति ये हो रही है कि आज भी हम जो उन हुक्मरानों द्वारा संचालित होते थे आज इनके द्वारा भी हम प्रताड़ित किए जा रहे हैं। नित अपनी सोच के हिसाब से इनके कार्यक्रम बनते हैं, इनकी योजनाएं बनती हैं और अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। हम नहीं इन चीज़ों को मानते हैं, हम दरकिनार करते हैं इन व्यवस्थाओं को, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं है। हमने जो अवधारणा थी इसकी, कॉन्सेप्ट जो था, कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो सपने सोचे थे वो आज भी नदारद हैं। हम आज भी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। देखो ये तो ऐसा है, एक हम भौतिकवादी समय को जी रहे हैं तो इसमें इंसान जो होता है निरंतर आगे बढ़ने की उसकी सोच होती है, एक प्रक्रिया होती है। वो आप ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था, हम उत्तर प्रदेश के अंग थे, उसके बाद से ही ये चीज़ ये रोग लग गया था कि लोग रोजी रोटी की तलाश में महानगरों की ओर रुख करने लगे थे। आज हमने जब राज्य मांगा तो उसी हिसाब से हमने एक सोच हमारी बनी थी कि यार यहाँ पर कुछ नया करेंगे लोग, क्योंकि एक अच्छा उससे मानसिकता के हिसाब से ये लड़ाई लड़ी गई थी, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। हम बिल्कुल भी आज पिछड़े हुए हैं, कोई प्रगति नहीं हो रही है। तो गांव में अगर रोजगार दिया जाए तो क्या पलायन को रोका जा सकता है, वहाँ फ्लोरिकल्चर एग्रीकल्चर इसको डेवलप अगर किया? बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो जब ये जोड़ तोड़ की सरकारों का दौर था उस बीच में हमने बताया भी, एक हमारे बीच से हमारे वरिष्ठ दिवाकर भट्ट जी काबीना मंत्री थे, तो मैंने ही उनको एक अपना प्रस्ताव दिया था। मैंने कहा जो 1893 के हिसाब से यहाँ पर खनन का कार्य होता है, हम उसी हिसाब से, तब नाप थी जमीन
उसके बाद जो अभी यहाँ पर राय शुमारी हुई जो वो बंदोबस्त आया 60 और 62 के बीच में, तो उस टाइम की ज़मीन अभी जाकर वो बेनाप हो गई, और जो उस टाइम नाप थी बेनाप थी वो आज नाप हो गई। तो हमने उनको मांगा था, हमने कहा था जो हमारा जो रेवेन्यू विलेज है उसके ऊपर का जो फॉरेस्ट है उसको आप वर्टिकल उसमें आधा किलोमीटर उसको बढ़ा दीजिएगा, जो नीचे जो झंझट पैदा हो रहा है, जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जगह सिकुड़ रही है वो, हाँ उसको एक थौर मिल जाती, वो अपने उसको बागाती खेती के रूप से करता या बगीचे बनाता, वहाँ पर एक आजीविका का साधन वहाँ पर विकसित होता। स्थायी राजधानी आज भी जस की तस वो समस्या बनी हुई, आपको लगता है कि अगर पहाड़ में स्थायी राजधानी बनाई जाए तो क्या कुछ समाधान? सब वो तो हमारा पहले से ही प्रोग्राम है, हमने तो 1992 में चंद सिंह गढ़वाली हमारे जो योद्धा थे उनके उनकी स्टैचू वहाँ पर हमने लगाई है गैरसैंण में। तो ऊपर जो दूधातोली वाला इलाका है आपके भराड़ी शेड से ऊपर को, ये है आपका कम से कम 500 एकड़ से भी ऊपर का वो लैंड है, वहाँ पर बिल्कुल एक समरसता है, बिल्कुल फैला हुआ है, वहाँ तो बहुत गुंजाइश है। जी सुरेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे उत्तराखंड राज्य की मांग बरसों पुरानी रही है, यहाँ तक कि ये सब लोगों को विदित है, पहले यहाँ दो राज्य थे कुमायूं और गढ़वाल का, और इनका अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने राजाओं का यह अधिकार था। जैसे यहाँ कुमायूं क्षेत्र में हमारे राजा चंद्रवंशी थे, जिनके वंशज आज भी काशीपुर में ये रहते हैं, और वो हमारे एमपी भी नैनीताल से रह चुके हैं, बाबा केसी सिंह बाबा। और इसी प्रकार गढ़वाल राज्य के जो राजा थे वो मानवेंद्र शाह और उनके वंशज थे, और आज भी जो लक्ष्मी जी हैं देहरादून से सांसद वो राजवंश के ही ये उत्तराधिकारी के रूप में वहाँ पर हैं। तो इसलिए ये राज्य की अवधारणा तो हमारी पुरानी थी, लेकिन बीच में ब्रिटिश गढ़वाल यह बना और उससे पहले गोरखाओं का राज होने से हमारा राज्य जो है अंग्रेज़ों के अधीन चले गया सिंगोली संधि के बाद, और गढ़वाल का कुछ भूभाग ब्रिटिश गढ़वाल और कुछ टेहरी रियासत के रूप में रहा। इसलिए ये मांग लगातार बहुत पुरानी मांग थी, और इसी मांग के लिए डॉक्टर डी डी पंत जी ने उत्तराखंड क्रांति दल बनाया, श्री शोभन सिंह जीना जी ने उत्तरांचल संघर्ष समिति बना के इस मांग को आगे बढ़ाया, इंद्रमणि बड़ोनी जी इसके लिए लगातार संघर्षरत रहे, इसी प्रकार से कांग्रेस के भी लोगों ने इसमें ये काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और ये बड़ा आंदोलन बन गया। और जब हमारा राज्य बना तो उस समय एक बड़ी चूक केंद्र सरकार से हो गई है, यद्यपि ये राज्य बीजेपी ने दिया, अटल जी का सपना था एक अलग से उत्तराखंड बने और उन्होंने इसको दिया, लेकिन उस समय क्या हुआ, छत्तीसगढ़ की राजधानी ये बनी, वो झारखंड की राजधानी रांची बनी, लेकिन हमारे उत्तराखंड राज्य की राजधानी बन नहीं पाई, अभी तक अधर में लटका हुआ है, अस्थाई राजधानी के रूप में हमारा देहरादून में राज चल रहा है। इसलिए पहले दिन से ही हमारे लोग राज्य के प्रति जिन्होंने बड़े उत्साह से संघर्ष किया था बहुत उदासीन हो गए, और अभी तक संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी स्थायी राजधानी बने। इस सब के बावजूद भी हम देखें तो अब अस्थाई राजधानी की बात यहाँ पर देहरादून में चल रही है, और जबकि इस समय जो भी जितने भी दीक्षित आयोग कौशिक समिति की बैठक ले लें सब में लोगों ने गैरसैंण को ही प्राथमिकता दी। इसलिए जब तक गैरसैंण की राजधानी पूरी नहीं बन पाती स्थायी रूप से, तब तक ये अवधारणा ये बनी रहेगी कि हमारे राज्य का सपना अधूरा है। हाँ, जहाँ तक विकास की बात है, विकास ये काफ़ी हद तक हुआ है, छोटा राज्य होने के बाद बहुत सा बजट भी इसमें आया, और जब अंडी तिवारी जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे उस समय तो काफ़ी बजट यहाँ गांव में आया, और वो क्योंकि विकास पुरुष की एक अवधारणा थी तो उन्होंने अपने नाम के अनुरूप काफ़ी बजट यहाँ पर लाए। इस सब के बावजूद भी आज भी गाँव में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, यद्यपि आज हमारे युवा मुख्यमंत्री ये श्री धामी जी ये काफ़ी सक्रियता से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गाँव में रोजगार को बढ़ाना होगा। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हमारे राज्य में की अवधारणा में विकास कैसे आगे बढ़े, क्योंकि कोई भी राज्य या कोई देश आज सभी लोगों को रोजगार देने में तो समर्थ नहीं है, इसलिए हमें रोजगार के साधन संसाधन खुद करने होंगे। जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में परमार जी ने वहाँ के घिंगारों के पेड़ों में ये सेब का उत्पादन किया कलम करके, तो और हिमाचल कश्मीर के बाद सबसे बड़ा सेब उत्पादक प्रदेश बन गया, उसी प्रकार हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, हमारे यहाँ ये पशु
संवर्धन को बढ़ावा देना चाहिए, हमारे यहाँ कुक्कुट पालन को बढ़ावा देना चाहिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर शिडकुल के तर्ज में हर ज़िले में एक शिडकुल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि शिडकुल हरिद्वार में और यहाँ उधम सिंह नगर में बनाया गया तो वहाँ काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला, लेकिन वह सब वहीं के आसपास के लोग उस रोज़गार को प्राप्त किए। तो हमारा तो ये मानना है कि जैसे बागेश्वर जनपद में बहुतायत में यहाँ पर ये आम होता है, यहाँ पर बहुतायत में नाशपाती होता है और आलूबुखारा होता है, आड़ू होता है, उसका प्रिजम्पशन का कोई भी हमारे पास केंद्र नहीं है, कोई भी विकास का कार्य यहाँ पर हो नहीं पा रहा है। हमारे MP MLA चाहे जो भी दावे कर लें, उनके दावे हमें तब तक खोखले लगते हैं कि जब तक यहाँ का नौजवान बेरोजगार है। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि बनकर चुन के आए वो योग्य से योग्यतम व्यक्ति चुना जाए, इस जिससे कि हमारे इस प्रदेश के प्रत्येक जिले का सर्वांगीण विकास हो सके। एक छोटी सी पंक्ति मैं कहना चाह रहा था कि जो राज्य की लड़ाई थी वो हमारी पहचान की लड़ाई थी, हमारी अस्मिता की लड़ाई थी। अगर सिर्फ विकास की बात होती तो उत्तराखंड को पर्वतीय विकास मंत्रालय तो बहुत पहले मिल गया था, जीना जी उसके मंत्री हुआ करते थे, रमेश निशंक उसके मंत्री हुआ करते थे, तो पर्वतीय विकास मंत्रालय की लड़ाई ये नहीं थी, पर विकास की लड़ाई थी, लेकिन पहले थी ये पहचान की लड़ाई। हमारी पहचान क्या थी? लखनऊ से एक या तुम घर जा रहे हो एक बर्तन मांजने वाला ले आना, या घर जा रहे हो एक नौकर ले आना। तो होटलों में भनमजवे की पहचान जो हमने ढोई है, बहुत लंबी दूरी तक हुई है, उस पहचान के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई थी, और राज्य बनने के बाद हमें हमारी पहचान मिली है। आज पूरी आज अगर आप दुनिया के जनरल नॉलेज को टटोलेंगे तो आपको पृथ्वी पर उत्तराखंड राज्य मिलेगा। ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन जहाँ तक रहा कि राज्य तो हमको मिल गया, एक पहचान हमको मिल गई अवधारणा और संपने का की बात। अब सवाल वहीं आकर अटक रहा है। आज मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ कि पिछले साल भी आप थे, उससे पिछले साल भी आप थे और कल भी आप जाएंगे, जो उत्सव होना चाहिए था राज्य स्थापना दिवस का, वो एक छोटे से सरकारी कार्यक्रम में तब्दील क्यों हो गया? जो एक बहुत बड़ा उत्सव होना चाहिए था जिसमें स्वतः स्फूर्त तरीके से लोगों ने बाहर आना चाहिए था, वो लोग नहीं आ रहे। अब वो सरकार DM साहब पत्र देते हैं कि साहब आपने आंदोलन किया था, आप जुड़वाइएगा कल उसमें कार्यक्रम में, और एक छोटा सा सरकारी कार्यक्रम बन के रह गया है स्थापना दिवस की बर्थडे का कार्यक्रम। पिछले साल इतने लिखा तो था कि ये बर्थडे है या क्या कहते हैं, वो जो वार्षिक होती है साल में मिलने के बाद। खैर, जो अवधारणा थी राज्य आंदोलन की, उस अवधारणा को छूने का प्रयास नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि राज्य निर्माण के समय पर जो 29 संशोधन आपके किए गए, राज्य निर्माण से पहले जो 29 संशोधन किए गए उसमें नदियों का अधिकार आपसे छीन, बहुत से अधिकार आपसे छीन गए, और छता जोरदार ये रहा कि दो अन्य राज्य हमारे साथ बने, उन्होंने साफ कहा कि हम एक भी संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। उनके यहाँ संशोधन नहीं हुआ, हमारे यहाँ 29 संशोधन हो गए। और संशोधन करने वाले कौन लोग थे? संशोधन करने वाले वही लोग थे जो आज की तारीख में नेता बने फिर रहे हैं, जिनके पास उत्तराखंड मिला। और उत्तराखंड की अवधारणा क्या थी? उत्तराखंड की अवधारणा को अगर आप वास्तव में समझना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्रता संग्राम में जाना होगा। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उत्तराखंड के निवासियों की जो भूमिका थी वो जल जंगल जमीन पर बनाए गए कठोर कानूनों के खिलाफ थी, और जनता इन पर अपने अधिकार मांगना चाहती थी कि अधिकार लौटाए जाएं। अगर पलायन बढ़ा है तो राज्य गठन के बाद जो आंकड़े बता रहे हैं, बेतरतीब बढ़ा है। पलायन रोकने के लिए आपने कोई काम ही नहीं किया, आपके रोजगार के संसाधन घटे, आपके रोजगार के जो साधन थे वो आपने बेच दिए। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा रोजगार का साधन होता है, आपने देखा होगा जब कोरोना से पूरा विश्व लड़ रहा था तो सिर्फ एक ही सेक्टर था जो आपको रोजगार दे रहा था, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। और आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के बढ़ाने के लिए क्या काम किया? अखतराई में आप चले जाइए, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग वाला कंपनियाँ खोल दी हैं। क्या आपको लगता है कि स्थायी राजधानी अगर पहाड़ में घोषित कर दी जाए तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा। लेकिन स्थायी राजधानी भी अगर पहाड़ में ही खुलेगी तब आपने, आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। पिछले दिनों जब क्या कहते हैं गैरसैंण में एक सत्र चल रहा था तो आसपास के बहुत सारे लोग अपनी मांगों को लेकर विधानसभा पहुंचे। वो ठीक है कि दिवाली काल में उनको डंडों से मारा गया, पीटा गया, उनके पर मुकदमे चलाए गए, लेकिन लोग वहां पहुंचे, अपनी मांग को लेकर पहुंचे। क्या कभी आपने सुना कि देहरादून में आम आदमी, गाँव का आदमी अपनी मांग लेकर गया? नहीं गया। क्यों? देहरादून एक सुरक्षित स्थान है माफिया युक्त राजनीति के लिए, और जब आप पहाड़ में आएंगे तो निश्चित रूप से माफिया मुक्त राजनीति उत्तराखंड में स्थापित करने का रास्ता खुलेगा।
सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।